अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास Vivo Y20i का मोबाइल है। अगर आपके पास कोई भी Vivo का मोबाइल है तो आप उस पर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लगा सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो इस मोबाइल पे साइड फिंगरप्रिंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ कि यहाँ पे हमने लगाया है कि नहीं लगाया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने लगाया, ये मेरा अनलॉक हो गया। तो गाइस अगर आप भी इस प्रकार से अपने मोबाइल पे Vivo के मोबाइल पे डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हो तो आपको अपने मोबाइल पे कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। आपके मोबाइल पे नया अपडेट आया है और आप लगा सकते हो। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो चलिए तो सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर लेना है। जो आपने फिंगरप्रिंट लगाया है उसको आपको हटा देना है। तो चलिए तो हटा देते हैं। फिर इसके बाद आपने जो सिक्योरिटी डाला हुआ उसको डाल देना, ये आपका ऑन होगा। तो इसको क्या कर देना, आपको ऑफ कर देना। फिर इसके बाद ओके पे क्लिक कर देना। फिर इसके बाद आपको बैक आ जाना है। चलिए तो बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद फिर से आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। फिर इसके बाद ऐप मैनेजर के ऊपर क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट वाला ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर लेना, क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना। ये आपका ये क्लियर डाटा हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको ओके कर देना। फिर इसके बाद आपको बैक आ जाना। बैक आने के बाद आपको प्ले स्टोर ऐप ओपन कर लेना। तो चलिए तो प्ले स्टोर ऐप ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर ऐप ओपन करने के बाद आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का नाम है Vivo थीम, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से आप जाके सर्च कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। फिर इसके बाद आपको ये एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं वो जो एप्लीकेशन है Vivo थीम। तो Vivo थीम्स को आपको ओपन कर लेना है। इस प्रकार से कुछ इंटरफेस आएगा जब आप ओपन करोगे। फिर इसके बाद इस थ्री डॉट लाइन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे फंटच OS के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको इस वाले थीम को डाउनलोड कर लेना है, ओरिजिनल OS के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे ऐड आएगा, आपका ऐड आएगा यहाँ पे। फिर इसके बाद आपको ऐड कर देना। फिर इसके बाद आपको ये थीम डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए तो डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपको इस पे रुकिए, थोड़ा सा वेट करिए। अब आपको चेंज थीम के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर इसके बाद आपको मी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे लोकल थीम के ऊपर क्लिक कर लेना है। फिर इसके बाद आपको ये वाली थीम को आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये आपका जो थीम है वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका थोड़ा सा लोडिंग लेगा। चलिए तो यहाँ पे अप्लाई सक्सेसफुली दिखा रहा है। ये देख सकते हो कि हमारी थीम ओके हो चुकी है। तो चलिए तो मैं आपको फिर से दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा फिंगरप्रिंट आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि किस प्रकार से मेरा जो अनलॉक हो जाता है फोन, इस प्रकार से आपका भी अनलॉक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं अगली वीडियो, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।